आज मैं बात करूंगा शोग्रेन सिंड्रोम नामक ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में, जिसकी जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 जुलाई को वर्ल्ड शोग्रेन्स डे मनाया जाता है। शोग्रेन सिंड्रोम सबसे आम ऑटोइम्यून बीमारियों में से एक होती है। देखा गया है कि भारत में हर साल 10 लाख से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बीमारी का जल्दी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस बीमारी के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम होने से रोक सकें। शोग्रेन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है। पहले हम ये जानें कि ऑटोइम्यून बीमारी का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमें विदेशी रोगाणुओं से बचाता है, पर ऑटोइम्यून रोग में हमारा इम्यून सिस्टम विदेशी रोगाणुओं के प्रति एक्ट करने के बजाय हमारे ही शरीर के विभिन्न भाग पर हमला करता है, जिसकी वजह से हानि पहुंचती है। शोग्रेन सिंड्रोम एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विभिन्न नमी बनाने वाले ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को असर करती है, विशेष रूप से आंसू और लार बनाने वाले ग्रंथियों को असर करती है, जिसकी वजह से सूखा मुंह और सूखी आंखें हो जाती है। शोग्रेन सिंड्रोम ज़्यादातर 40 से 60 उम्र वाली महिलाओं में पाया जाता है, परंतु ये बच्चों और बाकी उम्र के लोगों में भी हो सकता है। पुरुषों की तुलना में ये रोग महिलाओं में 10 गुना आम होता है। शोग्रेन सिंड्रोम एक जेनेटिक रोग होता है। वैसे इसके अन्य कारण हैं बार बार वायरल इन्फेक्शन होना, और ये रोग महिलाओं में ज़्यादा आम है क्योंकि महिलाओं में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ये रोग ज़्यादा हो सकता है। इस बीमारी के 50% केसेस के कारण दूसरे ऑटोइम्यून रोग हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसिडिटी। शोग्रेन सिंड्रोम के मुख्य लक्षण हैं आँखों का सूखापन, जिसकी वजह से आँखों में खुजली और जलन होती है, और अगर ये बीमारी आगे तक चलती रही तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। मुंह का सूखापन, जिसकी वजह से सख्त खाना खाने में मुश्किल होती है और इसके लिए हमें बार बार पानी पीना पड़ता है। मुंह में कम लार होने की वजह से लंबे समय तक बोलने में मुश्किल होती है, खाने का स्वाद नहीं रहता और मुंह के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अन्य लक्षण हैं त्वचा का शुष्क होना, ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस करना, जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होना, मांसपेशियों में दर्द होना, लार बनाने वाली ग्रंथियों का सूजन होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, लंबे समय तक खांसी होना। ये बीमारी फेफड़ों को भी असर कर सकती है, जिसकी वजह से इंटरस्टीशियल लंग डिजीज हो सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। ये रोग दिमाग को भी असर करती है, जिसकी वजह से लकवा हो सकता है और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ये रोग शरीर की नसों को भी असर करता है, जिसकी वजह से हाथ और पैरों में सुन्नपन हो सकता है। कुछ मरीजों में ये रोग गुर्दों को भी असर करता है, जिसकी वजह से पेशाब कम हो सकता है और पूरे शरीर पर सूजन आ सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि शोग्रेन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसलिए इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु इसके लक्षणों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और शरीर के विभिन्न भागों को हानि पहुंचाने से बचाया जा सकता है। आँखों के सूखेपन के लिए आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह और नाक की नमी बढ़ाने के लिए माउथ स्प्रेज और नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। आंसू और लार के उत्पादन के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीमारी में इम्यून सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है, इसलिए इसे शांत करने के लिए इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक धूल और धुएं वाली जगह पर जाने से बचें, आँखों पर जोर ना पड़े इसलिए लंबे समय तक एक चीज़ पर नहीं देखना चाहिए, जैसे कि टीवी देखना,
किताबें पढ़ना या फ़ोन का इस्तेमाल करना। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। पौष्टिक आहार खाना चाहिए और कम से कम नमक और मीठे का सेवन करें। इस रोग के मरीज एक आम जिंदगी बिता सकते हैं। डॉक्टर, परिवारजन और दोस्तों की मदद से इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके लक्षणों को मरीज महत्व नहीं देता और उसे अनदेखा कर देता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आगे बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको इस बीमारी के लक्षण होते हैं तो उसे अनदेखा ना करें। जल्दी जल्द रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इस रोग का पता लगेगा उतना बेहतर ही इसका इलाज हो पाएगा। धन्यवाद।